आज की इस कहानी में आप देखोगे कैसे एक पुअर फैमिली को 21 सालों के बाद पता चलता है कि वो करोड़पति हैं और उनके जितना पैसा तो पूरे देश में किसी के पास नहीं है। पर पैसे मिलने के बाद उन्हें एक और बात पता चलती है जिसे जानकर तो वो बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। अब वो क्या बात है ये आपको मूवी में आगे पता चलेगा, पर हाँ एक बात आपको अभी ही बता देता हूँ, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बाद में आप लोग बोलते हो कि आपकी वीडियोस हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन प्रेस कर लोगे ना तो आपको हमारी सारी वीडियोस रात को 8:30 बजे अपने आप ही मिल जाया करेंगी। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम टीका को देखते हैं जो एक स्कूल में पढ़ाई करती है, पर यहाँ के रिच स्टूडेंट्स उसे बहुत बुली करते हैं क्योंकि वो काफी गरीब होती है ना, इस वजह से टीका के ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं। यहीं पर दूसरी तरफ हम टीका के भाई टीका को देखते हैं जो थिएटर किया करता था और उसका भी एक सपना होता है कि वो भी अपना एक बड़ा सा थिएटर खोलेगा, पर पैसों की कमी की वजह से उसे तो थिएटर में भी काम नहीं मिलता है, खुद का थिएटर खोलना तो बहुत दूर की बात। अगले सीन में हम इन दोनों के भाई टोडी को देखते हैं जो इनसे भी छोटा होता है और स्कूल में पढ़ाई करता है, उसकी हालत भी इनके जैसी ही होती है, उसे अपने फटे जूते ही पहनने पड़ते हैं क्योंकि नए जूते खरीदने के उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन इन्हें पता चलता है कि इनके फादर की डेथ हो गई है जिस वजह से ये सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब आगे क्या होगा, तभी टीका और दीका डिसाइड करते हैं कि वो अपनी पढ़ाई को छोड़ करके घर को संभालेंगे, पर इस बात के लिए उसकी मॉम उन्हें मना करती है और समझाती है कि तुम्हारे डैड का सपना था तुम लोग पढ़ लिख करके बहुत अमीर बनो और हमारे जैसी जिंदगी से बाहर निकल जाओ, पर फिलहाल उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो लोग सो जाते हैं। और अगले दिन उनके घर एक एडवोकेट आता है, वो उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें उनके फादर होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि पिछले 21 सालों से मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा हुआ था, मैं बहुत रिच हूँ पर फिर भी मैंने तुम लोगों से झूठ बोला क्योंकि मैं चाहता था कि तुम लोग इंडिपेंडेंट बनो और ये वीडियो मैं तब के लिए बना रहा हूँ जब मेरी डेथ हो जाएगी, तो अब मेरी प्रॉपर्टी के जितने भी पैसे हैं यानी पूरे 500 मिलियन डॉलर्स वो सारे तुम्हें मिल जाएंगे। उस वीडियो को देखकर पहले तो उन लोगों को बिलीव नहीं होता, पर जब उन्हें बैंक ले जाया जाता है और वो 500 मिलियन डॉलर्स उन्हें दिए जाते हैं तो वो लोग तो बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। लाइफ में पहली बार उन्होंने इतना सारा पैसा देखा होता है तो वो लोग एकदम से पागल हो जाते हैं। सबसे पहले वो लोग एक 7-स्टार होटल में जाते हैं और वहाँ पर एक VIP रूम बुक करते हैं, पर पता चलता है कि यहाँ पर रूम बुक करने के लिए 5 लोगों की जरूरत होती है और वो लोग तो 4 थे इस वजह से उन्हें रूम नहीं दिया जाता। वो बाहर आकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर 5वां इंसान वो कहाँ से लेकर आए, तभी उनकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है जो बाहर ही बैठा होता है, तो वो उसे अपने साथ होटल में ले जाते हैं और उसे बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं। भिखारी की भी ये देख करके चांदी हो जाती है और फिर यहाँ से निकलकर वो सभी लोग महंगे महंगे कपड़ों की शॉपिंग करने जाते हैं। अगले दिन डॉटी जब प्रीमियम शूज पहन करके स्कूल में जाता है तो सभी बच्चे शॉक रह जाते हैं और आज तो कोई उसे बुली भी नहीं करता और सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करने लगते हैं। उधर टीका जब अपने फ्रेंड वायु से मिलती है तो वो बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। टीका उसकी गाड़ी को रिपेयर करने के बजाय उसे एक नई गाड़ी दिला देती है। वायु को ये गाड़ी बहुत पसंद थी और वो ये पाकर बहुत खुश होता है, पर उसी रात वो गाड़ी आकर उसे वापस कर देता है और कहता है वो इस गाड़ी को खुद के पैसों से खरीदना चाहता है। गिफ्ट में अगर उसे ये गाड़ी मिल जाएगी तो वो इस गाड़ी की वैल्यू नहीं करेगा। इधर हम देखते हैं 3 दिनों में ही पूरी फैमिली ने इतना खर्चा किया था कि वो पूरे 500 मिलियन डॉलर्स को खत्म कर देते हैं। अब उनके पास एक भी रुपया नहीं बचा होता है, पर तभी एक बार फिर से वकील आता है और उन्हें एक और वीडियो दिखाता है जिसमें उसके डैड उन्हें बताते हैं कि अभी उनके पास 15,000 मिलियन डॉलर्स और बचे हुए हैं तो वो चाहे तो उन्हें भी निकलवा सकते हैं। ये जानकर वो बहुत खुश होते हैं और सारे पैसे फिर से निकाल लेते हैं। इस बार तो वो और भी ज्यादा खर्चा करते हैं। सबसे पहले वो एक आलीशान बंगला खरीदते हैं और फिर प्रीमियम फर्नीचर खरीदते हैं, बहुत सारी कार्स भी खरीद लेते हैं, इवन वो तो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी खरीद लेते हैं। ऐसे करते करते दिन बीतते जाते हैं और इनकी फैमिली के खर्चे तो रुक ही नहीं रहते हैं। वो दिन रात पैसों को बस उड़ाते ही रहते हैं और इस वजह से वो खुद से भी दूर होते जा रहे थे। अब वो पहले की तरह बहुत कम ही साथ रहते हैं और बहुत कम ही बातें करते हैं, इवन वो तो साथ में खाना भी नहीं खाते हैं। डोडी को ये देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी पुरानी फैमिली को मिस करने लगता है। उधर टीका की रिच क्लासमेट्स जो किसी समय पर उसे बुली किया करती थी, आज वो
उसके सामने उसकी फ्रेंड होने का नाटक करती है और टीका भी उनके साथ ऐसे लग जाती है कि वो अपने पुराने फ्रेंड्स को तो भूल ही जाती है। टीका के पुराने फ्रेंड्स उसे बहुत मिस करते हैं और उन्हें एनुअल फंक्शन की तैयारी भी करनी थी, पर टीका तो इस चीज पर कोई ध्यान ही नहीं देती। उधर टीका के पास भी पैसे आ चुके थे तो वो अपने थिएटर खोलने के सपने में लग जाता है। वो एक बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज करने वाला था जो आज से पहले किसी ने भी नहीं ऑर्गेनाइज किया था। इधर हम टीका की मॉम को देखते हैं। वो डोडी को स्कूल से जब लेने जाती है तभी रास्ते में उन्हें कुछ म्यूजिशियन दिखाई देते हैं, तो रोज ही उन्हें टिप दिया करती थी। वो उसे इतनी ज्यादा टिप देती है कि उसको देखते देखते बहुत सारे म्यूजिशियन वहाँ पर खड़े होने लगते हैं। पर टीका की मॉम फिर भी नहीं रुकती, वो किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती है, सभी को कुछ ना कुछ पैसे जरूर देती है। इसी चलते एक दिन एक लड़की उनकी ये वीडियो बना लेती है और इंटरनेट पर पोस्ट कर देती है। अचानक से वो वीडियो वायरल हो जाती है और टीका की मॉम को सभी लोग जानने लगते हैं। टीवी में उन्हें इंटरव्यूज के लिए भी बुलाया जाता है और ये देख करके टीका की मॉम बहुत खुश होती है क्योंकि हमेशा से ही वो टीवी में आना चाहती थी। एक दिन वो वकील एक बार फिर से उनके घर पर आता है और उसके डैड की एक और वीडियो दिखाता है जिसमें उसके डैड उसे बताते हैं कि अगले दिन उन्हें $15 मिलियन और मिलने वाले हैं। ये बात सुनकर पूरी फैमिली बहुत खुश होती है, पर डोडी फिर भी खुश नहीं होता क्योंकि वो इन पैसों की वजह से अपनी फैमिली को बदलता हुआ देख पा रहा था। एक दिन जब डोडी की माँ को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो वो फ्लो फ्लो में पूरे शहर को फ्री में खाना और कपड़े देने का बोल देती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने क्या बोल दिया। ये चीज एक हाइप बन जाती है तो सभी लोग उस डेट का इंतजार करने लगते हैं। यहीं पर हम टीका को देखते हैं जो अपनी रिच वाली फ्रेंड्स के साथ अक्सर पार्टी में जाया करती थी और वहां जाकर वो बहुत महंगी महंगी ड्रिंक्स को ट्राई किया करती थी। इन सब का बिल टीका ही पे करती थी तो उसकी फ्रेंड भी उसके सामने लॉयल होने का नाटक करती थी। पर तभी एक दिन उसकी फ्रेंड्स उसके ड्रिंक में एक टैबलेट मिला देती है। फॉर्चुनेटली टीका उस टैबलेट को नोटिस कर देती है तो वो उसे अंदर नहीं करती बल्कि मुंह में ही रखकर वॉशरूम में जाकर थूक देती है। टीका को अब तक समझ आ चुका था कि उसकी फ्रेंड बिल्कुल भी लॉयल नहीं है बल्कि वो तो उससे ही चीट करने की कोशिश कर रही है। अब जाकर उसे अपने पुराने फ्रेंड्स की याद आती है और उनके लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि टीका ने उनके साथ बहुत बुरा किया था। टीका उन्हें कॉल लगाती है और उनसे माफी मांगती है और उनसे कहती है कि वो सब लोग एनुअल फंक्शन की तैयारी करेंगे। अगले दिन एक बार फिर से वो वकील उनके घर पर आता है और उनके डैड की एक और वीडियो दिखाता है जिसमें उसके डैड उन्हें बताते हैं अब उनकी सारी संपत्ति खत्म हो चुकी है, उनके पास जितने पैसे हैं उतने में ही उन्हें लाइफ स्पेंड करनी पड़ेगी। ये सुनकर सभी लोग बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं क्योंकि टूडा की मॉम ने सभी को प्रॉमिस कर दिया था कि वो $200 मिलियन की चैरिटी करेंगे और उधर टूडा ने भी अपने थिएटर के लिए $100 मिलियन उधार ले रखे थे। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो बचे हुए पैसों से ही टूडा की माँ चैरिटी की तैयारियां करना स्टार्ट कर देती है। उधर टीका भी अपनी क्विज कॉम्पिटिशन की तैयारी में लग जाती है और टूडा भी एक पॉलिटिशियन से कुछ पैसे उधार लेकर के अपना शो स्टार्ट कर देता है। शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा होता है पर तभी अचानक से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। टीका की मॉम के घर पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि एक बच्ची नीचे गिरकर बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। उधर कंपटीशन को भी बीच में रोक दिया जाता है क्योंकि पुलिस वहां पर आ गई थी। उन्हें टीका और उनके रिच वाली फ्रेंड्स पर शक होता है तो वो उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो नशे की चीजें लिया करते थे। टूडा का शो भी बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था क्योंकि जिस पॉलिटिशियन से उसने पैसे उधार लिए थे वो बीच शो में ही आटा पकता है और अपनी पार्टी का प्रमोशन करने लगता है। इस वजह से ऑडियंस काफी इरिटेट हो जाती है और उसका शो भी स्पॉइल हो जाता है। आज तीनों का ही दिन बहुत खराब गुजरा था तो रात में खाना खाते समय भी वो एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर रहे थे। तभी वहाँ पर वकील आ जाता है और इस बार तो वो टीका के डैड के भाई को भी लेकर आया था। वो बताता है कि इन पैसों में उसके अंकल का भी हिस्सा था जो वो बताना भूल गया था, पर अब तो इनके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा होता है इसलिए इन्हें अपना घर और अपनी गाड़ी उनके अंकल को देनी पड़ जाती है। अब जाकर इन्हें एक बात तो समझ में आ गई है कि पैसों के बिना भी वो बहुत ज्यादा खुश थे। पैसों के आने के बाद से वो और भी ज्यादा परेशान रहने लगे हैं। यहाँ से निकल करके वो अपने पुराने घर में वापस चले जाते हैं और पुरानी जिंदगी को जीने लग जाते हैं। धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है और एक दिन हमें पता चलता है कि टीका की शादी होने वाली है, पर तभी अचानक से एक दिन वो वकील फिर से आ जाता है। इस बार वकील उनके फादर की उन्हें लास्ट वीडियो दिखाता है जिसमें उसके फादर अपने छोटे भाई के साथ होते हैं, पर यहाँ पर वो रिवील करते हैं कि ये उनका छोटा भाई नहीं है बल्कि उनके साथ ही काम करता है। ये सब कुछ एक प्रैंक था जो कि मैंने जानबूझकर के तुम लोगों के साथ करवाया ताकि तुम्हें पैसों की वैल्यू पता चल सके।
मुझे पहले से ही पता था कि तुम लोग जब पैसों को देखोगे तो तुम्हारी ऐसी ही हालत होगी, तभी मैंने जानबूझ करके सब कुछ करवाया। पर परेशान मत हो, अभी तो तुम लोगों ने मेरी प्रॉपर्टी का 10% भी खर्च नहीं किया है, अभी तो 90% से भी ज्यादा पैसा सेफ है और उसे तुम लाइफ में आगे यूज करना। पर ऐसी गलतियां मत करना जो तुमने अभी की थी। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, क्या आपके पेरेंट्स ने भी आपको वो कहानी सुनाई है जिसमें आपके दादाजी आप लोगों के लिए मटके में सोने के सिक्के भरकर चले गए थे, पर आपके अंकल्स ने बहुत चालाकी से उन्हें चुरा लिया। अगर ये कहानी आपको भी सुनाई गई है तो नीचे कमेंट करके अपना किस्सा जरूर बताइएगा। वैसे हर इंडियन फैमिली में ये कहानी जरूर सुनाई जाती है, हमें भी अच्छा लगेगा आपकी स्टोरी जान करके। तो प्लीज नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल गए, इसलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये करना बिल्कुल ही फ्री है और इसको करने के बाद आपको हर रोज 8:30 बजे हमारी वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।